नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनोज कुमार सिंह। हिंदी साहित्य के आंसराटिक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इसके साथ ही हम इसमें आपको एक तरह से पूरा का पूरा पाठ्यक्रम कराएंगे और इस पाठ्यक्रम को आप अगर सीखना चाहेंगे बहुत अच्छे ढंग से सीख सकते हैं और आपको बहुत बड़ा बेनिफिट होगा इससे। आपको मैं बता दूं कि राम की शक्ति पूजा पाठ्यक्रम आज पाठ्यक्रम से आपके पाठ्यक्रम में है यूपीएससी के, उससे ही आज आंसराइटिंग प्रोग्राम आपको कराया जाएगा। इसके लिए आप हमारे मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इससे बने रहें, जिससे आप हिंदी साहित्य का पूरा पाठ्यक्रम इस पर पा सकें। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, राम की शक्ति पूजा के मूल संवेदना क्या है। राम की शक्ति पूजा, जैसा कि आप जानते हैं, राम की शक्ति पूजा लिखने वाले हिंदी साहित्य के महाकवि निराला, जिन्हें स्वयं जो है महाप्राण कहा गया है, महाप्राण निराला का जन्म बंगाल में हुआ और बंगाल में ही उन्होंने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की। कहा जाता है कि पत्नी की मृत्यु के बाद निराला जो है इलाहाबाद चले आए और इलाहाबाद आकर के प्रयागराज में रहते हुए भी निराला स्वयं में तीर्थराज थे, क्योंकि कविता गद्य दोनों का प्रभाव उन्हें स्वयं अपने आप में संगम बना रहा था। निराला के बारे में कहा जाता है कि निराला आजीवन सब कुछ लुटाते रहे और छोटी छोटी बातों पर वे अपने आप को निछावर कर देने वाले कवियों में थे। विद्रोही कवि के रूप में निराला को जाना जाता है। 1961 में निराला की मृत्यु हो जाती है। सरोज स्मृति इनका जो है सबसे बड़ा, हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा जो है और सबसे वेदनापूर्ण जो है महाकाव्य है। इससे बड़ा दुखांतवादी, मतलब इस वियोग का कोई भी या तर्पण का कोई भी ऐसा महाकाव्य आज तक हिंदी साहित्य में नहीं लिखा गया, जिसका नाम है सरोज स्मृति, अपनी बेटी की याद में इन्होंने लिखा था। निराला की बात करेंगे तो निराला की जो पाठ्यक्रम है आपके, राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा जो है महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा महाकाव्य की बात करेंगे यहाँ पर हम लोग, ये राम की शक्ति पूजा है और राम की शक्ति पूजा की चर्चा करेंगे तो इसकी संवेदना क्या है। राम की शक्ति पूजा मिथकी कथानकों के आधार को आधार बनाकर रची गई लंबी प्रबंधात्मक कविता है। चूंकि कथा का आधार निराला के समय की वास्तविक घटनाओं पर आधारित न होकर पौराणिक प्रदेश पर टिका है, इसीलिए कविता की व्याख्या अलग अलग समीक्षक अपने नजरिए से करते हैं। प्रतीकात्मक रचना होने के कारण यह संभव नहीं है कि शक्ति पूजा की संवेदनाओं को वस्तुनिष्ठ व निश्चयात्मक रीति से निर्धारित किया जा सके। निराला अपने समय के कई संदर्भों को इस कविता के माध्यम से एक साथ साध लेना चाहते थे। यही कारण है कि इस कविता की संवेदना परत दर परत खुलती चली जाती है। कविता का एक साथ कई संवेदनाओं को धारण करना पाठक के लिए चाहे जटिलता की वजह हो को, किंतु कविता को के स्तर पर यह उसी संभावनाशीलता का प्रमाण है। आपको बता दें, यह राम की शक्ति पूजा मिथकी कथानक के आधार को आधार बनाकर रची गई एक लंबी कविता है। आपको बता दें, इसे महाकाव्य का दर्जा दिया जाता है। आधार बनाकर रची गई यह लंबी कविता है और प्रबंधात्मक कविता है। चूंकि कथानक का आधार निराला के समय की वास्तविक घटनाओं पर आधारित न होकर पौराणिक प्रदेश पर टिका हुआ, क्योंकि इसका आधार क्या है, रामायण है, रामायण पर टिका हुआ है, इसीलिए कविता की व्याख्या अलग अलग समीक्षक अपने नजरिए से करते हैं। प्रतीकात्मक रचना होने के कारण यह संभव नहीं है कि राम की शक्ति पूजा की संवेदनाओं को वस्तुनिष्ठ या निश्चयात्मक रीति से निर्धारित किया जा सके। निराला अपने समय के कई संदर्भों को इस कविता के माध्यम से एक साथ साध लेना चाहते थे। यही कारण है कि इस कविता की संवेदना
परत दर परत खुलती चली जाती है। कविता एक साथ कई संवेदनाओं को धारण करना पाठक के लिए जटिलता का वजह बन जाता है, किंतु कविता के स्तर पर यह उसकी संभावनाशीलता का प्रमाण है। राम की शक्ति पूजा संभावनाओं की खोज के लिए यह देखना जरूरी है कि कविता के अर्थ में कौन कौन से स्तर खुलते हैं। आपको बता दें, अगर इसकी संवेदना देखना है राम की शक्ति पूजा की, तो इसकी परत दर परत क्या खुल रही है, किस तरह से इसकी विचरणशीलता है, किस तरह से इसका विचार है, इस बात को जानना भी जरूरी है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कविता की क्या क्या अर्थ कौन कौन से परत स्तर पर खुलते हैं। तो देखते हैं शक्ति पूजा की मौलिक कल्पना सबसे प्रमुख भाव है। राम की शक्ति पूजा की मौलिक कल्पना शक्ति की पूजा के प्रमुख भाव है। निराला का अर्थ आत्म संघर्ष भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण भाव है। संवेदना के तीसरे स्तर पर यह सीता की मुक्ति और नारी मुक्ति की कविता है। आपको बता दें कि यह सीता की मुक्ति नहीं अपितु तो समस्त नारियों की मुक्ति का भाव अपने आप में व्यक्त करती है। राम की शक्ति पूजा कविता समस्त नारी की मुक्ति की चर्चा करता है, नारीवादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। व्यापक दृष्टिकोण दृष्टि से देखे तो धर्म अधर्म सत्य असत्य के शाश्वत संघर्ष की अभिव्यक्ति इसकी संवेदनाओं का एक आह्वान बिंदु है। आपको मैं बता दूं कि राम जो है सत्य का प्रतीक है, रावण जो है असत्य का प्रतीक है। राम धर्म है तो रावण अधर्म है। इन समस्त बातों को राम की शक्ति पूजा में प्रस्तुत किया गया है। राम की शक्ति पूजा हिंदी का महात्म महाकाव्य रहा है और इसमें जो भी परस्पर संघर्ष को जोड़ा गया है वह निश्चित रूप से इसकी बहुत बड़ी विशेषता रही है। निष्कर्ष को की अगर बात करें, या तो यह लिखें कि किसी एक संवेदना को केंद्रीय मानना संभव नहीं है, परस्पर जोड़कर ही कविता को समझा जा सकता है। इसका निष्कर्ष में अगर देखें तो निष्कर्ष की बात करें तो इसमें दो निष्कर्ष सामने निकल के आते हैं। क निष्कर्ष यह कहता है, या तो यह लिखें कि कविता किसी एक संवेदना का को केंद्रीय मानना संभव नहीं है, परस्पर जोड़कर ही कविता को समझा जा सकता है। इस कविता को अगर आपको समझना है तो परस्पर एक दूसरे से जोड़ेंगे तभी यह समझ सकते हैं। दूसरा है, यदि प्रश्न पर इसको जिद करें तो यह निश्चित रूप से क्या है, यदि प्रश्न जिद वाले भाव से पूछा गया है हो तो किसी एक को केंद्रीय संवेदना बताना ही है तो शक्ति की मौलिक कल्पना वाली व्याख्या को केंद्रीय बताते हुए इस बात पर बल दें कि वह सबसे महत्वपूर्ण संवेदना होकर भी अपने में पर्याप्त नहीं है, क्योंकि कविता की सम्यक व्याख्या के लिए अन्य संभावनाओं को जानना भी जरूरी होता है। राम की शक्ति पूजा कविता की व्याख्या करते समय आप धर्म अधर्म प्रतीक, रावण किसका प्रतीक है, राम किसका प्रतीक है, आखिर सीता संपूर्ण नारी की मुक्ति कैसे हैं, इन समस्त बातों का ध्यान विधिवत देना पड़ेगा। इन समस्त बातों को ध्यान में रख करके इन समस्त चीजों को यहां पर बताना होगा। ये इसका प्रश्न संख्या एक था। अब बात करते हैं प्रश्न संख्या दो। प्रश्न संख्या दो क्या है? प्रश्न संख्या दो है जो राम की शक्ति पूजा है उस पर एक रचनात्मक निबंध, राम की शक्ति पूजा की वस्तु रचना पर निबंध लिखें। वस्तु रचना पर निबंध लिखें। निबंध का अर्थ होता है जिसमें कोई बंधन न हो। निबंध का अर्थ होता है जिसमें कोई बंधन न हो, अर्थात बिना किसी बंधन के मन को छोड़ करके निबंध लिखा जाता है। लेकिन राम की शक्ति पूजा पर जो आप निबंध लिखेंगे वह राम की शक्ति पूजा को आधार बनाकर ही लिखेंगे। इसमें मन की मुक्तावस्था
नहीं चल पाती, तो इस पर हम बात करेंगे। उत्तर देखते हैं इसका, राम की शक्ति पूजा की विषय वस्तु रचना पर निबंध लिखना है, इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। पहला बिंदु देखिए, कविता में वस्तु से आशय उसकी संवेदना से होता है। जब भी कविता में कभी उसकी वस्तु पूछा जाए या विषय वस्तु पूछा जाए तो उस कविता उसकी आशय कविता की संवेदना से होता है। वस्तु रचना या वस्तु योजना का अर्थ है कि लेखक ने किस प्रकार अपनी संवेदना या अंतर्वस्तु को रचना में नियोजित किया है, जो कि कविताएं एक आयामी अंतर्वस्तु पर आधारित होती हैं। उनके संदर्भ में वस्तु रचना की समस्या नहीं उठती है, किंतु राम की शक्ति पूजा जैसी कविता अपनी वैविध्यपूर्ण अंतर्वस्तु तथा आंतरिक जटिलताओं के कारण समीक्षक के सामने कठिन चुनौती पेश करती हैं। ऐसे में संभवतः यह प्रश्न उठता है कि निराला ने एक ही कविता के ढांचे में कैसे विभिन्न संवेदनाओं को एक साथ पिरो दिया है, एक साथ कैसे पिरो दिया है, कैसे एक साथ जोड़ दिया है, यह प्रश्न इस पर उठता है। यह राम की शक्ति पूजा का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण प्रश्न है। निराला ने पौराणिक आख्यान को कथानक का आधार इसलिए बनाया है क्योंकि बिना प्रतीकात्मक ढांचे के इतनी सारी संवेदनाओं को एक साथ व्यक्त करना असंभव था, इसीलिए निराला ने पौराणिकता को आधार बनाया है। इसीलिए निराला ने राम की शक्ति पूजा में पौराणिकता को आधार बनाया है। राम की शक्ति पूजा जैसी विभिन्न संवेदनाओं को धारण करती है, राम की शक्ति पूजा कैसे विभिन्न संवेदनाओं को धारण करती है तो शक्ति की मौलिक कल्पना करता है। निराला का आत्मसंघर्ष सीता नारी की मुक्ति का प्रतीक बन जाती है। अधर्म अधर्म सत्य असत्य राम रावणत्व संघर्ष पौराणिक राम का मानवीय रूप में रूपांतरण यह है। अगर निष्कर्ष में इसकी प्रशंसा करें तो कम ही होगा, निष्कर्ष प्रशंसा अगर इसकी करें तो बहुत ही कम होगा, क्योंकि आपको बता दें कि विभिन्न प्रकार की संवेदनाओं को धारण किए हुए यह हिंदी के महाकाव्य के रूप में अवतरित हुआ है। राम प्रतीक है पौराणिकता का, लेकिन वह व्यक्ति जन्म किस रूप में ले रहा है, मनुष्य के रूप में ले रहा है। रावण प्रतीक है मनुष्य का, क्योंकि वह पौराणिकता उसका क्या है, आधार है। इस बात का संघर्ष किया गया है और इसीलिए इसको आधुनिक रूप में जोड़ दिया जाता है। अब इसका तीसरा प्रश्न है, वर्तमान समय में भी राम की शक्ति पूजा प्रासंगिक कविता है सिद्ध करें। क्या वर्तमान समय में राम की शक्ति पूजा प्रासंगिक है, इसकी बात इसमें की गई है कि बात आपको बता दें राम की शक्ति पूजा किस प्रकार से प्रासंगिक है, इसकी बात करें तो भूमिका देखते हैं, इसकी भूमिका क्या है। राम की शक्ति पूजा की भूमिका क्या है, राम की शक्ति पूजा की भूमिका क्या है, तो आपको बता दें वर्तमान समय में राम की शक्ति पूजा की प्रासंगिकता क्या है सिद्ध करना है, तो भूमिका राम की शक्ति पूजा आधुनिक समय में राम जो है सत्य का, रावण असत्य का प्रतीक है, सीता समस्त नारियों की मुक्ति है, न कि किसी एक सीता की मुक्ति है, इसलिए इसमें जो है संवेदनाओं को अलग अलग धारण किए हुए प्रतीक होती है, यह उसकी भूमिका है। प्रासंगिकता के विभिन्न आयाम क्या क्या हैं, आज ही राम की शक्ति पूजा कई मायने में अन्याय के पक्ष में झुकी हुई है। उदाहरण के स्वरूप भ्रष्टाचार, अंतरराष्ट्रीय राजनीति, राजनीतिक अपराधीकरण, पूंजीवाद, आर्थिक विषमता, पर्यावरण संकट जैसी तमाम चीजों को अपने आयाम में समेटे हुए प्रतीक होती है। आज के व्यक्ति की संबंध सबसे बड़ी समस्या अंतर द्वंद्व है, रामत्व और रावणत्व का द्वंद्व सामाजिक
जिम्मेदारी व्यक्तिवादी सोच है। सत्य को अर्जित किए बिना विजय की इच्छा करना औचित्यपूर्ण नहीं है। भारत को विज्ञान तकनीकी का विकास करना होगा, यह जो है इसका एक उद्देश्य है। अगला देखिए, प्रकृति को ईश्वर की तरह सम्मान देना चाहिए। व्यक्ति या समाज देश को अपनी भीतरी शक्ति की पहचान करनी चाहिए। नारी मुक्ति का भाव आज भी प्रासंगिक है। शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण हो, यह आज भी जरूरी है। यह जो है आपको बता दें, यह कविता की मुख्य प्रासंगिकता रही है। तो वर्तमान समय में यह जरूरी है कि भारत का तकनीकी विकास होना चाहिए। प्रकृति को ईश्वर की तरह सम्मान देना चाहिए, क्योंकि प्रकृति पर्यावरण असंतुलित होने पर कहीं ना कहीं मानव का ही पतन होगा। विभिन्न प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होगी, सूखा पड़ेगा, अकाल सूखा पड़ेगा, बाढ़ आएगी, इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए मनुष्य को प्रकृति को देवी के रूप में पूजना जरूरी है। व्यक्ति या समाज देश को अपनी भीतरी शक्ति की पहचान करनी चाहिए। जैसा कि हाप्स ने कहा है, स्वयं को पढ़ो, और इसके लिए आपको निश्चित रूप से शक्ति अर्जित करनी पड़ेगी, स्वयं को पहचानना पड़ेगा। और नारी मुक्ति का भाव आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि नारी स्वतंत्र होना चाहती है, और नारी की स्वतंत्रता समाज की स्वतंत्रता है, और समाज और नारी के बीच में इस तरह का वैविध्य जो है निराला के काव्य में ही देखने को मिलता है। शक्ति का प्रयोग विवेकपूर्ण हो, और शक्ति चाहे किसी प्रकार की शक्ति हो, उसका प्रयोग जो है विवेकपूर्ण होना चाहिए, और यह आज भी जरूरी है। अगर अपनी शक्ति का प्रयोग आप विवेकपूर्ण नहीं करेंगे तो आपका समाज का पतन हो जाएगा। इसके लिए आपको मुक्तावस्था के साथ कार्य करना पड़ेगा, और विवेकपूर्ण और न्यायोचित शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। ये आपके प्रश्न, इस प्रश्न में ये लिखा जाएगा। निराला, अगला प्रश्न, निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और प्रगतिवाद के भी। ये प्रश्न कह रहा है कि निराला छायावाद, निराला जो है छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और प्रगतिवाद के भी। छायावाद और प्रगतिवाद की विशेषताएं बताते हुए उपयुक्त कथन की मीमांसा कीजिए। आपको बता दें, निराला जो है प्रगतिवादी कवि हैं और प्रयोगवादी हैं। प्रयोगवाद की विशेषता क्या है, इसकी बात की गई है। और पहले हम जानते हैं, निराला छायावाद के प्रतिनिधि कवि हैं और प्रगतिवाद के भी। छायावाद और प्रगतिवाद की विशेषता बताते हुए इस कविता के बारे में बताना है। तो निराला काव्य की किसी भी परिपाटी में बंधने वाले कवियों में शामिल नहीं है। निराला छायावाद में रहते हुए प्रयोगवादी कविता लिख रहे हैं, तो इसकी इस तरह से लगता है कि किसी परिपाटी में शामिल होने वाले नहीं थे। वे प्रगतिवादी कवियों में चाहे न गिने जाते हों, किंतु उनका व्यक्तित्व इतना प्रयोगधर्मी है कि कोई भी आंदोलन उसे समेट नहीं पाता। इसीलिए वे छायावाद और प्रगतिवाद का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आते हैं। तो निराला में प्रगतिवादी लक्षण और छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से निराला एक है। बृहत छायावाद की जो बृहत्त्रयी है, उस बृहत्त्रयी में जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा शामिल हैं, और इन दोनों के विचारों को निराला में शामिल किया गया है। तो निश्चित रूप से निराला जो है अपने आप में बेहतर कवि हैं। छायावाद क्या है? छायावाद जब आत्मा की छाया परमात्मा पर तथा परमात्मा की छाया आत्मा पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ने लगती, उसी को छायावाद कहा गया है। क्या कहा गया है? छायावाद कहा गया है। निराला छायावादी कवि हैं क्या? निश्चित रूप से निराला छायावादी कवि हैं, और लेकिन इनमें प्रयोगवादी लक्षण भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए निराला किसी भी परिपाटी में बंधने वाले कवियों में नहीं है। प्रगतिवाद क्या है? प्रगतिवाद निराला छायावाद से अलग है। प्रगतिवाद मानव के विकास की बात करता है, मानव की समृद्धि की बात करता है, मानव में एकता की बात करता है, मानव में जातिवाद, विधर्मवाद, इन सबको मिटाने
को ही मोटे तौर पर आप जो है प्रगतिवाद कह सकते हैं। निराला क्यों प्रगतिवादी हैं? वह तोड़ती पत्थर कविता, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर, मैंने देखा उसे, वह तोड़ती पत्थर गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, मैंने देखा उसे, वह तोड़ती पत्थर माथे से भुलक शिखर, तन मन रत कर्म, वह बोली मैं तोड़ती पत्थर। निराला की यह प्रगतिवादी कविता है। इस कविता का भाव इतना जटिल है कि उस मार्ग पर प्रत्येक महिलाएं पत्थर तोड़ रही हैं, लेकिन हर एक कवि वहां से गुजर रहा है, लेकिन निराला को देखिए, निराला जो है उस महिला के बारे में सोच रहे हैं कि इसके हाथ में आज चूड़ियों की खनखनाहट होनी चाहिए थी, इसके हाथ में मेहंदी लगी होनी चाहिए थी, तो हाथों में ठेठे पड़े हुए हैं और चूड़ियों की जगह पर उसके हाथ में हथौड़ा है। जो हथौड़ा है वह क्रांति का प्रतीक है। निराला जी कहते हैं वह तोड़ती पत्थर कोई न छायादार पेड़, जो हाँ वो पत्थर तोड़ रही है वहां पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। श्याम तन भर बन्हायवन, और श्याम तन है भर बन्हायवन, वो अपनी जवानी में मस्त है, जवान है, और सामने तर मल्लिका अट्टालिका प्रकार, सामने जो है एक ऐसा मकान है जो चारों तरफ से पेड़ों की मालाओं से घिरा हुआ है, और जहां पर महिला पत्थर तोड़ रही वहां पर कोई भी छायादार पेड़ नहीं है। यह निराला की प्रगतवादी कविता है। दूसरा देखिए बादल राग तृतीय समीर सागर से जो इनकी कविता है, जीर्ण बाहों शीर्ण शरीर, जीर्ण बाहों है शीर्ण शरीर, तुझे बुलाता कृषक अधीर, ओ विप्लव के वीर। बादल के बारे में जो है अंग अंगना से लिपटे हुए भी वह कांप रहा, यह जो है पूंजीपतियों पर प्रहार है निराला का। इस तरह की कविता बादल बादल राग तृतीय समीर सागर से, ये जो है निराला की जबरदस्त कविता है, और यह कविता जो है निश्चित रूप से हिंदी में प्रगतिवादी कविता को बात कर रही है। इनकी बात करें तो कुकुरमुत्ता इनका एक काव्य है जो आपके पाठ्यक्रम में शामिल है यूपीएससी में, कुकुरमुत्ता। कुकुरमुत्ता भी प्रगतिवादी कविता है। निराला जी कहते हैं अबे सुनबे गुलाब तेरी खुशबू है रंगो आप, खून चूसा है खाद का अशिष्ट डाल पर इतरा रहा है कैपलिस्ट। पूंजीपतियों पर गहरा प्रभाव प्रहार करने वाले निराला की यह सोच प्रगतिवादी कविता है। कैपलिस्ट शब्द है, कैपलिस्ट शब्द को कुछ समीक्षक जो है अलग अर्थों में लेते हैं, कुछ समीक्षकों ने इसे भी प्रगतिवादी प्रगतिवाद का उदाहरण माना है। निराला छायावाद से भी जुड़े हैं, प्रगतिवाद से भी जुड़े हैं, किंतु किसी भी सीमित नहीं है, दोनों की सीमाओं का अतिक्रमण भी करते हैं। निराला प्रगतिवाद प्रयोगवाद दोनों का अतिक्रमण करके अपने आप में मुक्त छंद में कविताएं लिख करके स्वयं को मुक्त कर रहे हैं, यह निराला की सबसे बड़ी विशेषता रही है। इस प्रश्न का उत्तर आप इसी तरह से लिखेंगे। अगला प्रश्न है राम की शक्ति पूजा और राष्ट्रीय आंदोलन, प्रश्न संख्या 5 है आपका। राम की शक्ति पूजा और राष्ट्रीय आंदोलन, राम की शक्ति पूजा क्या है और इसका राष्ट्रीय आंदोलन क्या है, इसका राष्ट्रीय आंदोलन में क्या प्रभाव पड़ा। आपको मैं बता दूं कि जिस समय निराला छायावाद कविता लिख रहे थे या कविता जिस समय लिखी जा रही थी निराला के द्वारा, उस समय भारत में राष्ट्रीय आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, लेकिन क्या निराला राष्ट्रीय आंदोलन से हट करके कविता लिखे? वहां पर उन्होंने न गांधी को आदर्श माना न किसी महापुरुष को आदर्श माना, बल्कि वो उससे हट करके पौराणिकता की ओर चले जाते हैं। छायावाद में कहीं भी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कविताएं देखने को नहीं मिलती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से वो कविता कैसे राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है उसकी चर्चा इसमें हम करेंगे। महाकवि निराला हिंदी के महाप्राण, निराला आधुनिक हिंदी कविता के अत्यंत प्रमुख हस्ताक्षर माने गए हैं। इनकी रचनात्मक यात्रा 1914 ईस्वी से प्रारंभ होकर 1962 ईस्वी तक 1961 ईस्वी तक मृत्यु पर्यंत निरंतर चलती रही। इस दीर्घावधि में निराला अनेक समय बिंदुओं को स्पर्श करते हुए
अपनी जन संवेदनशीलता, सांस्कृतिक प्रेम, युगबद्धता आदि को रचनात्मक क्षमता तथा प्रयोग धर्मिता का परिचय देते हैं। इस दृष्टि से जो रचनाएं विशेष गौरवपूर्ण रही हैं, उनमें छायावादी काव्य आंदोलन के अंतर्गत 1936 में लिखी गई महाकाव्यात्मक औदात्य से मुक्त प्रबंधात्मक शिल्प का आभास देने वाली राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कथानक कविता का विशेष स्थान रहा है। यह कविता अंतर्वस्तु, काव्य भाषा, शिल्प, रचना सभी संदर्भों में संपूर्ण हिंदी कविता की कालजयी उपलब्धि मानी जाती है। महाकवि निराला ने इस कविता में शिल्प संरचना और काव्य भाषा के स्तर पर मौलिक सृजनात्मक प्रयोग तो किए ही हैं, काव्य संवेदनाओं के स्तर पर भी इस कविता को कई नए संदर्भों से मुक्त किया गया है। इस दृष्टि से राम कथा के उत्तर भारतीय मिथकों में राम की शक्ति पूजा के नए तत्व का सन्निवेश करना कथात्मक स्तर पर नया प्रयोग है। इसके पहले हम देखते हैं कि उत्तर भारतीय राम कथाओं में तुलसी ने राम को शिव का पूजक तो दिखाया है, लेकिन शक्ति या महादुर्गा के पूजक के रूप में राम का चित्रांकन नहीं हुआ है। वास्तव में महादुर्गा की उपासना बंगला संस्कृति और जीवन की अनन्य विशेषता रही है। एक लंबे प्रवास के कारण कृतिवास में बांग्ला रामायण से प्रेरणा लेते हुए निराला ने राम की शक्ति पूजा में राम को शक्ति पूजक के रूप में दिखाया है। इतना होते हुए भी कथा वस्तु के स्तर पर इस कविता की इतनी ही सीमा नहीं है, क्योंकि किसी भी रचनात्मक उद्देश्य मिथक का पुनर्कथन नहीं होता, अपितु वह मिथक के माध्यम से अपने समय की चुनौतियों और प्रश्नों से टकराते हुए उनके समाधान और चेष्टा का रूप भी इसमें दिखाई देता है। आपको बता दें कि राम की शक्ति पूजा की अंतर्वस्तु का विश्लेषण से प्रमाणिक होता है कि इसमें निराला ने जहां एक और परंपरागत कथाओं राम कथाओं के मिथक शक्ति के नए तत्वों का सन्निवेश किया है, वहीं दूसरी ओर इससे भी आगे बढ़कर अपने समय में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की वैचारिक व्याख्या करते हुए स्वयं अपने संघर्ष की व्यंजना का प्रयास किया है और बृहद स्तर पर इस कविता को सत्य असत्य, न्याय अन्याय, नीति अनीति के मध्य द्वंद्व और संघर्ष की महागाथा भी बना दिया है। इस तरह राम की शक्ति पूजा का राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में इसके द्वारा व्यंजित अनेक अर्थों में से एक है। इसके द्वारा निराला ने संपूर्ण कविता को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की रीति नीतियों उतार चढ़ावों की अभिव्यक्ति करने वाला प्रामाणिक एवं जीवंत दस्तावेज बना दिया है। राम की शक्ति पूजा का पौराणिक या मिथक अर्थ तत्वगत या शब्दगत है, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अर्थ के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि यह किसी भी रूप में प्रत्यक्ष या शब्दगत नहीं है। इसीलिए इस कविता के कई समीक्षकों ने इस अर्थ पर आपत्तियां भी उठाई हैं, लेकिन इस कविता को तत्कालीन राष्ट्रीय आंदोलन के उतार चढ़ाव रीति नीतियों के संदर्भ जब हम विश्लेषित करते हैं तो आदि से अंत तक संपूर्ण कविता का राजनीतिक अर्थ ध्वनित होता हुआ दिखाई देता है। आपको बता दें निश्चित रूप से यह जो है एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता रही है जो राष्ट्रीय आंदोलन में यह दिखाई देती है। कविता के इस राजनीतिक अर्थ के विश्लेषण के लिए निराला के जीवनादर्शों,
उनकी विचारधारा कविता में आने वाले चरित्रों और घटनाक्रमों के साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरित्र एवं घटनाक्रमों की संगत बैठानी पड़ती है। राम की शक्ति पूजा में कथात्मक स्तर पर ध्वनित होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित अर्थ पूरी तरह राजनीति है, जो इस कविता को तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक संदर्भों से गहरे रूप में जोड़ता है। यहां पर निराला ने अपनी कविता में गांधी जी के अहिंसा, सत्य एवं सहृदय परिवर्तन के द्वारा भारतीय जनता एवं भारतीय भूमि की स्वाधीनता की निरर्थकता बताते हुए इस राष्ट्रीय आंदोलन के रीत नीतियों और विचारधारा की गहरी मीमांसा करते हैं। कविता के आरंभ में हम देखते हैं कि राम सत्य, न्याय, धर्म और मर्यादा के पक्ष में होते हुए भी उनका पक्ष लगातार कमजोर होता जाता है। वो अपना संपूर्ण विवेक और संपूर्ण शक्ति लगाकर भी अन्यायी, अत्याचारी, अधर्मरथ रावण के विरुद्ध निर्णयात्मक विजय नहीं प्राप्त कर पाते हैं। निराला ने इस कविता की इन पंक्तियों में राम के पक्ष की दुर्बलता को स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं। निराला कहते हैं, अनिमेष राम विश्व जिदिव्य सरभंग भाव, विद्वांग बद्ध को दंड मुष्टिखर रुधिर श्राव। दूसरी ओर रावण का पक्ष निरंतर मजबूत दिखता है, जो कि कविता के निम्न पंक्तियों से प्रमाणित होता है। निराला, रावण एक तरफ मजबूत दिखाई दे रहा राम से, दूसरी तरफ राम जो है दुष्ट होते हुए भी क्या है, विजित हो रहा है। निराला की इन भावों को इसमें व्यक्त किया गया है। राम रावण का प्रहार दुर्वार विकल्प वानर दल बल। आपको बता दें, राम पर रावण जब प्रहार कर रहा है तो राम के साथ साथ संपूर्ण सेनाएं, उनकी वानर और नर समूह जो है क्या हो रहा है, भ्रमित हो गया है, और जिसके कारण जो है रावण की विजय होती दिख रही है। दूसरी तरफ जो है राम जो है दुर्बल प्रतीत हो रहे हैं। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हम देखते हैं कि गांधी जी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी तक और 1930 से 32 ईस्वी के संघर्ष में लगातार असफल होता दिखता है। तो यहां पर गांधी भी राम के तरह प्रतीक हो रहे हैं, जिस तरह से राम रावण को मारने में क्या है अपराजित हो रहे हैं, उसी तरह से गांधी भी अंग्रेजों को पछाड़ने में क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, लगातार असफल होता। गांधी जी सत्य, न्याय और धर्म और मर्यादा तथा जनतंत्र की स्थापना के पक्षधर होते हुए भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध निर्णयात्मक विजय प्राप्त नहीं कर पाते। यहां पर अन्यायी, अत्याचारी, जन स्वतंत्रता का अपहारक तथा दमन तंत्र का संवाहक ब्रिटिश साम्राज्य ही रावण के रूप में दिखाई देते हैं। वह अपनी सैन्य शक्ति के बल पर सत्य, अहिंसा, नीति, मर्यादा, धर्म पर आधारित गांधी जी के समस्त प्रयत्नों को असफल कर देते हैं। परिणामतः सीता रूपी मातृभूमि की मुक्ति नहीं हो पाती है। तो आप देख रहे हैं कि गांधी ने निराला ने अंग्रेजों को रावण और गांधी जी को राम का प्रतीक बता दिया। गांधी जो है तमाम प्रयत्न कर रहे हैं, सत्य पर चल रहे हैं, अहिंसा के पुजारी हैं, नीति पर हैं, मर्यादा पर हैं, फिर भी अत्याचारी, दुराचारी, धन लोलुप रावण को नहीं पराजित कर पा रहे हैं। कविता के अगले अंश में हम देखते हैं कि रावण के विरुद्ध लगातार असफल रहने वाले राम हताशा, निराशा
किन कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। निर्णय अनिर्णय के द्वंद्व में उलझे हताश निराश राम को अत्याचारी अन्यायी और सीता के अभारक रावण के विरुद्ध विजय का कोई मार्ग नहीं दिखाई देता है। निराला ने कविता में राम के इस हताश निराश तथा किम कर्तव्य विमूढ़ मनस्थिति के गहरे द्वंद्वात्मक रूप को व्यक्त किया है। स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय रह रह उठ जग जीवन में रावण जय भय, रावण का जय भय दिखाई देता है। राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में यह स्थिति सन 1936 के असेंबली चुनाव तथा आगे वाले 1939 ईस्वी के कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने की स्थिति को अनुमानित किया जा सकता है। यहाँ पर अंग्रेजी साम्राज्यवाद की दमन शक्ति उसके विरुद्ध न शामिल होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन के नेता अनिर्णयात्मक या संशय के गहरे संस्कार में दिखाई देते हैं। राम की शक्ति पूजा कविता में हम पाते हैं कि राम की हताशा निराशा तथा उदासी का मूल कारण यह है कि महाशक्ति के अन्यायी अधर्मरत और अनीतिरत रावण का साथ दिया है, जबकि धर्म रीति नीति सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने वाले राम का पक्ष नहीं लिया है। यह स्थिति राम को गहन निराशा हताशा तथा संशय तथा निर्णय अनिर्णय के गहरे द्वंद में लाती है। राम का एक कथन है निज सहज रूप में संशय हो जानकी प्राण, बोले आया न समझ में या दैवी विधान। राम रावण अधर्म रत भी अपना मैं हूं हुआ अपर, अथवा अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। अन्याय ही शक्ति है और शक्ति ही अन्याय है, यहाँ पर यह प्रतीक होता दिख रहा है। आपको बता दें राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में भी हम देखते हैं कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद केवल अपनी सैन्य शक्ति के बल पर ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समस्त प्रयोग को असफल बना देता है। परिणामतः मातृभूमि को स्वतंत्रता नहीं मिल पाती और जनतंत्र की स्थापना नहीं हो पाती। राम की शक्ति पूजा कविता में हनुमान की उत्तेजना का संदर्भ भी महत्वपूर्ण है। राम की शक्ति पूजा में हनुमान उत्तेजित हैं। अपने प्रतीक अर्थों में इसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह आदि के हिंसक क्रांतिकारी विचारधारा का प्रतीक माना जा सकता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि राम की गहन निराशा हताशा और भावाकुलता के कारण हनुमान जैसी शक्तियां इसके मूल कारण महाकाश और महादुर्गा को निगल लेने का प्रयास करती हैं, किंतु ध्यातव्य है कि यहां पर निराला ने इन शक्तियों को सफल होने नहीं दिया है, क्योंकि राम का उद्देश्य विस्फोटक विनाश न होकर नैतिक एवं मर्यादित विजय प्राप्त करना है। वे कमतर विनाश में विजय चाहते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत हम देखते हैं कि गांधी जी भी कई बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा की संभावनाओं के कारण उसे रोक देते हैं। आपने देखा होगा जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया, उस समय गांधी जी ने क्या किया था, जब चौरी चौरा घटना हुई उन्होंने अपने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। इस तरह की घटनाएं यहां पर होती रहती हैं। तो ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि राम का उद्देश्य विस्फोटक विनाश न होकर नैतिक एवं मर्यादित विजय प्राप्त करना है। वे कमतर विनाश में भी विजय चाहते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन
के अंतर्गत हम देखते हैं कि गांधी जी भी कई बार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसा की संभावनाओं के कारण उसे रोक देते हैं और अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध विजय प्राप्त नहीं हो पाती है। ये जो है महाकवि निराला ने राम की शक्ति पूजा कविता में समाधान भी प्राप्त प्रस्तुत किया है। यदि अधर्मरत अन्यायी और सीता अपहारक रावण जैसी आसुरी महाशक्तियों को सामान्य आराधना के द्वारा, आपको पता है कि रावण भगवान शिव का परम भक्त है और वह महाशक्ति आसुरी शक्तियां भी महाशक्ति सामान्य आराधना के द्वारा अपने बस में करके राम को त्रस्त कर पाती है, तो राम का गहन आराधना के द्वारा इस महाशक्ति को पुनः अपने पक्ष में करके रावण का विनाश पर कर सकते हैं। यह समाधान निश्चय ही एक सैनिक समाधान का संकेत करता है। कविता में हम देखते हैं कि निर्णय अनिर्णय के द्वंद में फंसे राम की तरह गांधी सेनानायक और सर्वाधिक वरिष्ठतम मंत्री जामवंत का यह सुझाव आता है कि विचलित होने का नहीं, देखता मैं कारण, हे पुरुष सिंह तुम भी यह शक्ति करो धारण, आराधन से दो उत्तर, तुम वरो विजय संयत प्राणों पर, शक्ति की करो मौलिक कल्पना करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। तो समर को तब तक के लिए छोड़ने के लिए कह रहे हैं जब तक उन्हें सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। वास्तव में कविता के अंतर्गत यदि अन्यायी अत्याचारी और हिंसक शक्तियां अपनी आसुरी संभावनाओं के द्वारा महाशक्ति, ये जो है महाशक्ति के रूप में जब आती हैं, तो इसकी बात कही गई है कि निराला में जो महाशक्तियां हैं यह जो है सबसे अलग है। वास्तव में कविता की अंतर्गत यदि अन्यायी अत्याचारी और हिंसक शक्तियां अपनी आसुरी साधनाओं के द्वारा महाशक्ति को अपने पक्ष में करके सत्य धर्म न्याय और मर्यादा की रक्षा के लिए लड़ने वाले राम को त्रस्त कर सकती हैं, तो इनके विरुद्ध निर्णयात्मक विजय के लिए राम जैसा धर्म नीति और जनतंत्र के रक्षार्थ लड़ने वाले व्यक्ति भी कठिन आराधना के द्वारा महाशक्ति को अपने बस में करके निर्णयात्मक विजय प्राप्त कर सकते हैं। कविता में भी हम देखते हैं कि राम कठिन आत्मबल की काफी सीमाओं पर जाकर सात्विक वृत्तियों के द्वारा महादुर्गा को अपने बस में करते हैं। यहां पर शक्ति की मौलिक कल्पना उपासना का संबंध नवदास भक्ति दास्य वात्सल्य, जैसे आप जब वैष्णव धर्म जाएंगे नवदास भक्ति आती है, वात्सल्य भाव तथा दुर्गा की विराट कल्पनाओं से संबंधित है। कई समीक्षकों ने शक्ति की मौलिक कल्पना और शक्ति का पूजन का संबंध आत्मशक्ति को पुनः जागृत करना बताया है, जो कि मौलिक कल्पना आंतरिक साधना का ही परिणाम होता है। राम महाशक्ति को अपने बस में करके अंततः अन्यायी अत्याचारी और सीता अपहारक रावण के विरुद्ध निर्णयात्मक विजय प्राप्त करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हम देखते हैं कि सन 1936 ईस्वी में लिखी गई यह कविता अपनी विचारात्मक दूरदर्शिता का प्रमाण देती है। 1942 ईस्वी का भारत छोड़ो आंदोलन निश्चय ही अपनी प्रकृति में 1920-22 1930-32 के आंदोलन से भिन्न था। अब पूर्व के गांधी न होकर विचारात्मक परिवर्तन का साक्ष्य देते हुए करो या मरो का नारा गांधी दे डालते हैं। क्या देते हैं गांधी? करो या मरो का नारा दे डालते हैं।
यहाँ पर गांधी की विचारात्मक स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन के कारण पुरुषोत्तम नवीन बनते हैं। पुरुषोत्तम तो वह पूर्व में भी थे, विचारधारा के स्तर पर गुणात्मक परिवर्तन उन्हें नवीनता प्रदान करता है। भारतीय जनता रूपी महाशक्ति को जागृत कर अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध निर्णयात्मक संघर्ष छेड़ते कतिपय समीक्षकों द्वारा का शक्ति के मौलिक कल्पना और पूजन का संघर्ष आत्मशक्ति को जागृत करना भी है महत्वपूर्ण लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के लिए पूरी तरह तैयार न होते हुए भी गांधी जी के दबाव में आंदोलन छेड़ती है और इसी भारत छोड़ो आंदोलन का निर्णयात्मक परिणाम सन 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता है। इस संदर्भ में यह कविता अत्यंत दूरदर्शी एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का वैचारिक व्याख्या करने वाली कविता बन जाती है। कविता का यह दूसरा अर्थ कथात्मक स्तर पर आरंभ से अंत अत्यंत सूक्ष्म एवं कुशलतापूर्वक नियोजित होता है। आपको मैं बता दूं कि अगर इनको देखा जाए तो वास्तव में ये जो राजनीतिक अंत में सावधानी पूर्वक जब हम निराला की विचारधाराओं, जीवन दर्शनों, कविता में आने वाले घटनाक्रमों एवं चरित्र को राष्ट्रीय आंदोलन में उतार चढ़ाव चरित्र एवं घटनाक्रमों के साथ मिलाकर देखते हैं तो एक ध्वनि सुनाई देती है। जो कविता का यह राजनीतिक अर्थ निश्चय ही उसे अपने समकालीन संदर्भों से जोड़ता हुआ एक अनहोना रूप प्रदान करता है। यहाँ पर निराला का विचारधारात्मक स्तर पर गांधीवादी नीतियों से असहमत होते हुए भी शक्ति उपासना या शक्ति का उतार चढ़ाव शक्ति से देते हुए दिखाई देते हैं। इस रूप में निराला प्रसाद की इन पंक्तियों से भी मानो सहमत लगते हैं। शक्तिशाली हो विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा तेरा जयगान। शक्ति की उपासना का यही संदर्भ नरेश मेहता के यहां भी दिखाई दे। युद्ध ही युद्ध का उत्तर है अथवा शांति युद्ध से सत्य की चेष्टा है के रूप में उद्घाटित होता है। निराला की ये विचारधारा इस अवधि की राम की शक्ति पूजा के अतिरिक्त महंगा रहा जैसी कविताओं में भी दिखाई देती है, जिसमें छिपे हुए जन समतर पर आने का संकेत देते हैं। इस रूप में निराला शत्रु को समर जीते पहाड़ की आत्म साधना मौलिक प्रक्रिया आदि को दर्शाते हैं। मौलिक संदेश के कारण ही यह कविता आने वाले युगों में ही भी बार बार अपनी प्रासंगिकता मौलिकता प्रामाणिक करती है। इस दृष्टि में 1993 ईस्वी में दूसरों पर लगाए गए अमेरिकी प्रतिबंधों, 1998 ईस्वी के परमाणु विस्फोट के उपरांत विश्व समुदाय द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों, 1999 ईस्वी में कारगिल संकट और उसके बाद भारतीय संसद पर हमले में शक्ति की उपासना का महत्व बार बार रेखांकित होता है। इन्हीं संदर्भों में कालजयी रचना अपने समय के प्रश्नों एवं चुनौतियों के टकराने के साथ ही आने वाले युगों में भी प्रासंगिकता बनाए रखती है। यह बात
राम की शक्ति पूजा पर भी लागू होती है। किंतु शक्ति की यह मौलिक कल्पना जो शक्ति की यह मौलिक कल्पना है शक्ति की यह मौलिक कल्पना शांति मार्ग पर टिके रहने की न है न कि आक्रामक करने की। आतंकवाद अलगाववाद सांप्रदायिकता और नक्सलवाद से लड़ने के लिए शक्ति की मौलिक कल्पना की आवश्यकता निराला के राम की शक्ति पूजा की प्रमुख अवधारणा है। वास्तव में राम की शक्ति पूजा निश्चित रूप से हिंदी की एक मौलिक कथात्मक रचना है। बिना इसके आप स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ें चाहे जहां से भी जोड़ें यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण काव्य है। दोस्तों अब आपसे हम लेते हैं विदा और इसके हमारे साथ बने रहने के लिए मनोज आईएएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करें। आपको मैं बता दूं कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को उद्घाटित करें। किसी विषय वस्तु पर आपको अगर क्लास चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में लिखें। और दूसरी बात आपको बता दें मनोज आईएएस आपके लिए ला रहा है एक यूट्यूब एक ऐप जिसके द्वारा आप हमारे सीधे लिंक हो सकते हैं। तो आप हमारे कुछ दिन बाद हमारे ऐप 8 तारीख से हमारा ऐप लॉन्च हो जाएगा तो निश्चित रूप से हमारे ऐप को आप प्ले स्टोर से प्राप्त करके हमसे सीधे जुड़ सकते हैं। ओके धन्यवाद जय हिंद मिलते हैं अगली क्लास में।